press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोल राजू। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजू। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आप जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि गूगल कैमरा एप्लीकेशन जो कि नया वर्जन है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो सब कुछ मैं बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हर संडे को हम लाइव होंगे, हर संडे को लाइव होंगे, और यहाँ पे हर संडे को मैं टॉप 10 बंदों को 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, यानी कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। उसके साथ मैं गिफ्ट कार्ड कोड दूंगा, उसके साथ मैं पेटीएम कॉन्टेस्ट भी करूंगा जो कि लाइव स्ट्रीम में रहेगा। तो हर संडे को हम लाइव होते हो, उसका आप वेट कीजिए। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं टॉप 3 बंदों को 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश देने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है, उसके बाद लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने पेटीएम नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर के साथ कमेंट करना। और जैसे कि आपको पेटीएम कैश मिल जाता है तो मुझे वापस से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो उसके स्क्रीनशॉट लेके, तो मैं दूसरे मेरे व्यूअर्स को बता सकूँ कि जी हाँ, मैंने उनको दिया था और उन्होंने मुझे वापस से स्क्रीनशॉट दिया है। तैयार, वो सब कुछ बात हो चुकी पेटीएम कॉन्टेस्ट के लिए, और हर संडे को लाइव होगा, वो भी पेटीएम कॉन्टेस्ट होगा, और यहाँ पे गिफ्ट कार्ड कोड भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने बताया था, आज की वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो है गूगल कैमरा कैसे डाउनलोड करेंगे। गूगल कैमरा एप्लीकेशन है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ही अमेजिंग फोटोशूट हो रहा है, वीडियो भी अच्छी हो रही है। तो यहाँ से वो एकदम से DSLR जैसा होता है, और यहाँ से उसको डाउनलोड करना है तो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको लाइव स्क्रीन लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, प्ले स्टोर से नहीं मिल रहा है गूगल कैमरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे गूगल कैमरा, और जैसे भी हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हो जैसे गूगल कैमरा वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो आ रहा है वो Gcam टूल है, यानी कि वो टूल है, गूगल कैमरा नहीं आ रहा है। और यहाँ से हम उसको देखते हैं तो भी यहाँ पे नहीं इतना आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये सिर्फ टूल है। यहाँ पे आप गूगल कैमरा डाउनलोड करना चाहते हो तो कैमरा डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली गूगल कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है वो सब मैं दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है गूगल कैमरा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड। और दोस्तों, यहाँ से आप देखते हो तो अभी उसका 9.0 वर्जन आ चुका है, यानी कि गूगल कैमरा 9.0 वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड लिखा होना चाहिए। और यहाँ से आप देख सकते हो 4.0 है, वो बहुत पुराना एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमको सर्च करना है 9.0। तो दोस्तों, 9.0 को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, नीचे 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 तरीके से चले जाना है। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे उसके अलग अलग वर्जन है, अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं। और उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे 9.0 वर्जन है, उस पर हम क्लिक करेंगे, और यह पहली वाली वेबसाइट है apkmirror.com, वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, गूगल कैमरा है, और यहाँ पे ये रहा दोस्तों उसके पूरी डिटेल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, सिंपली आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं है, 137.25 MB, यानी कि 137 MB की साइज़ है दोस्तों, यानी कि गूगल कैमरा जो DSLR की तरह काम करता है तो उसको सिंपली 150 MB की वो साइज़ होगी दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड करके रखा है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, उसके अपडेट्स भी है और वो भी डाउनलोड करने के लिए है। और यहाँ से आपके पास, अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है, आपके पास 4G या 5G फ़ोन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आपके पास लिखा हुआ आएगा देयर इज़ नो वर्जन अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड वाले एप्लीकेशन डाउनलोड APK पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड APK पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो थोड़ी देर में यहाँ पे एक लोड आ जाएगा, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सिंपली आपके सामने ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको वेट करना है। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो दोस्तों, सिंपली हमारे पास भी एक डाउनलोड वाला ऑप्शन आ चुका है। और इस तरीके से हम अच्छी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से करने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको डाउनलोड करना ही चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा फ़ोन है, अच्छा खासा, तो आप DSLR के तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो समझाया था वो समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास फिर से करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है
गूगल कैमरा 9.0 वर्जन डाउनलोड, और पहली वाली वेबसाइट है एपीके मिरर, वहाँ पे जाना है। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और ऐसा इंटरफेस आ जाने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आएगा एपीके डाउनलोड करो। एपीके डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही एपीके डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ऐसा ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे, मैं आपके सामने करता हूँ ओके, और यहाँ से हम देख सकते हो डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एपीके गूगल एंड्रॉयड। तो इस तरीके से हम गूगल कैमरा को डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मुझे रिकमेंडेड आ रही थी, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यार उसकी मुझे लिंक दो। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, गूगल कैमरा है, गूगल एपीके है, उसके बाद काइन मास्टर है, वो सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है दोस्तों कि हर दो दिन में या फिर हर वीक में वो अपडेट होती रहती है, और जो अपडेट होती रहती है तो उसकी लिंक एक्सपायर हो जाती है। जब लिंक एक्सपायर हो जाती है और मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, और आप 10-15 दिन बाद मेरी वीडियो देख रहे हो और उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वो लिंक नॉट सेटिस्फाइड बताएगा, यानी कि वो लिंक नहीं होगी। और उस लिंक से अगर आपको ऐसा लगेगा कि वो फेक बनता है, वो वीडियो फेक बनाता है, दोस्तों मैं वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ। जो मैं पेटीएम कॉन्टेस्ट चला रहा हूँ वो भी एकदम सही है, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से मैं लिंक इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो लिंक एक्सपायर हो जाती है, यानी कि लिंक एक्सपायर हो जाती है तो आप किस तरीके से डाउनलोड कर पाओगे, आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और आपको लगेगा कि मैं फेक हूँ। तो दोस्तों जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, मैंने 2 बार समझाया है, उस स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो आप भी अच्छे तरीके से गूगल कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अच्छे तरीके से यूज़ भी कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। हर संडे को आपको गिफ्ट कार्ड कोड जीतने का मौका मिलेगा, हर संडे को आपको लाइव स्ट्रीम में आओगे, जब आप हर संडे को लाइव स्ट्रीम में आओगे तो आपको पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट भी मिलेगा, और आपको गिफ्ट कार्ड कोड वाउचर भी जीतने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। हर संडे को मैं लाइव होता हूँ, उसकी वेट कीजिए, और मेरे स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए मैं आपको विनती करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।